गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा एंड वेलकम टू माय हैप्पी गार्डन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मार्च स्टार्ट हो चुका है, अब हमारे जो सर्दियों के फ्लावर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, हमें गर्मियों के जो फ्लावर्स हैं समर फ्लावर्स की तैयारी करनी होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें समर की वेजिटेबल्स लगानी होंगी, वो सब तैयारी मेरे गार्डन में चल रही है। और कुछ एक मैंने यहाँ पर अपने गार्डन को रेनोवेट किया है, तो वही मैं आज आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, और छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूँगी कि प्लीज़ चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। जैसा कि आपको एक ओवरव्यू में तो नज़र आ ही रहा होगा कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं यहाँ पे, बट स्टिल मैं आपको चलिए थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। तो ये एक फाइनल ओवरव्यू आप कह सकते हैं, विंटर्स का फाइनल ओवरव्यू, क्योंकि जितने सारे फ्लावर्स हमने विंटर्स के लगाए हुए थे वो ख़त्म हो जाएंगे, और स्प्रिंग सीजन के फ्लावर्स जो है वो अभी चल रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ खूबसूरती हमें यहाँ देखने को मिलेगी। तो आई होप आप लोगों को भी देख के अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आप देख पाओगे, यहाँ पे मैंने एक ग्रीन मैट लगाई हुई थी, जो कि आर्टिफिशियल ग्रास जिसको हम कहते हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ था उसका, 10x7 का साइज़ था, जिसे मैंने दो पीसेस में हाफ कर दिया, और अब ये काफ़ी मैनेजेबल लग रहा है। तो वो काफ़ी हैवी होता था, उसको उठाया भी नहीं जाता था, और उसको क्लीन करना काफ़ी एक टास्क बन जाता था, लेकिन मैंने अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके इसको अच्छे से क्लीन किया। इसमें बहुत सारी मिट्टी निकली, क्योंकि हम लोग इसे वॉश नहीं करते जनरली, ये छत पर ही पड़ी रहती है, तो वॉश करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, दो दिन बाद इसमें फिर मिट्टी लग जाती है। और वॉश करने का ये होता है कि इसके नीचे जो मॉइस्चर होता है वो प्रॉपर अच्छे से सूखता भी नहीं है, तो आपको टाइम टू टाइम उसको हटाना पड़ता है, सो दैट नीचे का जो मॉइस्चर है वो आपकी जो टेरेस है उस पर मॉइस्चर ज़्यादा देर तक खड़ा ना रहे, और ताकि आपकी अंदर दीवारों में सीलन ना आए अगर आपने वाटरप्रूफिंग नहीं कराई है। बट फिर भी प्रिकॉशनरी हमें चाहिए कि हम लोग इसके नीचे का जो सिस्टम रहता है, जो कि वाटर यहाँ पे मॉइस्चर खड़ा रहता है, उसको हम क्लीन करते रहें, मतलब उसको हम इसको हटाएं मैट को बार बार, ताकि वो अपने आप जो है वहाँ से सूख जाए। तो चलिए ये देखिए, एक तरीके से यहाँ से ओवरव्यू आपको नज़र आ ही रहा है। तो चलिए मैं इस कॉर्नर से स्टार्ट करती हूँ। पहले तो सबसे पहले आप यहाँ देख पाएंगे कि जो मैंने नए पौधे लाए थे उनको सबको यहाँ पे गमलों में शिफ्ट कर दिया है, जो कि ये देखते हो आप, आम का पौधा है जिसमें कि भूर आई है, इसके फ्लावर्स आए हुए हैं, और ये मौसमी का पौधा है जिसके शिफ्ट करने के चक्कर में कुछ इसके फ्लावर्स झड़ भी गए, बट खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसके फ्लावर्स में से। होप कि इसमें कुछ एक फ्रूट वगैरह हमें देखने को मिल जाए। और ये अमरूद का पौधा, इसमें भी नीचे ये देखो ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है, तो हो सकता है कि इसमें कुछ फ्रूट्स हमें आके देखने को मिले। हालांकि बहुत ज़्यादा उम्मीद में नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये सब बड़े गमलों में चलने वाले पौधे, बट ये बिल्कुल नए पौधे थे, तो मैंने इनको अभी 10 से 12 इंच के गमलों में लगाया। ये छोटे वाले तो आप देख रहे हो, ये 10 इंच के हैं, ये बड़ा है ये 12 इंचेस का है, तो ये मैंने इस तरीके से शिफ्ट किए। और ये रात की रानी का, ये भी मैंने एक 9x9 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दिया है, इसमें अभी कोई फ्लावरिंग वगैरह नहीं हो रही है। तो यहाँ इसके बाद आप देखोगे हमारी टर्टन वाइन है, जो कि एक पुराने पेंट का जो एक बास्केट सी थी उसमें लगाया है, तो काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो गई है, इसकी ये देखो नई नई शूट्स आ रही हैं। उसके बाद ये हमारा जीनिया लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें। और ये आप देख सकोगे यहाँ पे एक पाइनएप्पल भी लगाया था, और ये पुराना पाइनएप्पल था जो हमने खा लिया था, और उसके बाद इसकी नई शूट्स आ रही थी, उसको मैंने यहाँ लगाया, देखते हैं चल पाती है कि नहीं। इसके साथ यहाँ पे एक छोटा सा गजानिया है जिसका मैंने पॉट शिफ्ट किया, तब जाके ये अब इसमें चल पाया है, पहले वाले में नहीं चल रहा था। और ये जीनिया में अब जल्दी ही फ्लावरिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी ये गर्मियों में बहुत अच्छा चलता है। काफ़ी सारे पौधे मेरे पास इसके तैयार हैं, तो देखते हैं अभी इनको मैं अलग अलग गमलों में शिफ्ट कर दूंगी। इसमें ही 4-5 पौधे लगे हुए हैं, पीछे की तरफ आप देख पाओगे। उसके बाद ये हमारा गजानिया है जिसमें अभी कोई फूल नहीं खिला है बिल फिलहाल, लेकिन बर्ड्स हैं इसमें, तो थोड़े दिन में इसकी ये फूल भी जल्दी खिल जाएंगे। तो कैलेंडुला धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, तो ये सारे मैंने हैंगिंग में जितने लगाए हुए थे सब कलेक्ट करके यहाँ लगा दिए, क्योंकि धूप भी बहुत हो रही है। तो ये देख सकते हो आप, इस तरीके का मॉइस्चर क्रिएट किया है यहाँ पे एनवायरनमेंट इनके लिए, ताकि ये सारे ग्रुप में रहेंगे तो एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैंने नेट का इंतज़ाम नहीं किया है, तो इस वजह से मुझे इस तरीके से इकट्ठे करके रखना पड़ा इनको। और ये आप देख पाओगे कि यहाँ पे अब कैलेंडुला के सीड्स बनने शुरू हो गए, तो फ्लावरों का साइज़ छोटा हो जाता है जैसे इनका लाइफ साइकिल पूरा होता है, और सीड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब मैं इनको पिंच नहीं कर रही हूँ, जितने सीड्स बने के मैं सेव करके रख लूँगी। उसके बाद ये, बट फिर भी कुछ फ्लावरिंग है इस पर, अलग अलग शेड्स थे इसमें, लास्ट ईयर के जो मैंने सीड्स सेव किए थे उसी से लगाए थे ये, और होपफुली इस बार के सीड्स मैं सेव करूँगी और उसी से फिर नेक्स्ट ईयर लगाऊँगी।
इसके बाद आप पीछे की तरफ देख पाएंगे कि ये हॉली हॉक है, इस पर भी बर्ड्स आ रही हैं मगर फूल नहीं खिला है, तो देखते हैं जल्दी इस पर फूल खिल जाए। तीन पौधे थे ये, एक ही अच्छा ग्रो कर रहा है, बाकी अच्छे ग्रो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है रोज़ेस, मैंने अपने सारे यहाँ नीचे शिफ्ट कर दिए हैं क्योंकि वॉल पे बहुत ज़्यादा उनको पूरे दिन की धूप लग रही थी। और ये देखो आप, इसके बाद ये पत्तियाँ देखो धूप से जो है वो जलनी शुरू हो गई हैं इसकी पत्तियाँ, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा यहाँ पे निकाला। ये देखो कितना प्यारा, कितना बड़ा फ्लावर है, तो मैंने इसलिए इनको यहाँ पर नीचे निकाल दिया है। उसके बाद आप देख पाओगे यहाँ पे हमारे डायंथस बहुत ही ब्यूटीफुल से खिले हुए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, और ये हमारी पिटूनिया जिनको पिंच कर दिया था उसमें अभी भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ये बस वही तेज़ गर्मी की वजह से ऐसे मुरझाए हुए से लगेंगे आपको, लेकिन डोंट वरी, ये कोई अभी ठीक हो जाएंगे जैसे ही थोड़ी धूप कम होगी, 4 बजे के बाद ये ठीक हो जाते हैं। थोड़ी गर्मी कम होती है उसके बाद तो फिर ये थोड़ा अपनी कंडीशन सुधार लेते हैं। तो अभी तेज़ी से मौसम बदल रहा है, तो अभी दिन का टेम्परेचर 30 से प्लस जाने लग गया है, पर रात में अभी फिर भी ठंड होती है, सुबह और शाम की ठंड है अभी भी। तो यहाँ आप देख पाओगे कि इसमें ये हमारे ड्रेसिना के नीचे मैंने कुछ अपने क्यूकम्बर के सीड्स डाल दिए थे जो जर्मिनेट हो गए हैं, ट्रांसप्लांट करेंगे उनको जल्दी ही। और ये ऊपर मैंने स्टैंड में यही सारे मेरे पुराने वाले ही पौधे हैं, बस इनको मैंने थोड़ा दीवार से हटके इस तरफ कर दिया, देखो यहाँ पे गैप बनाया है। यहाँ के लिए कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स हैं मेरी, तो जो भी होगा आप लोगों से डिस्कस करूँगी। शायद मैं यहाँ पे कुछ हैंगिंग बनाऊँ, हैंगिंग प्लांटर्स लगाऊँ, क्योंकि यहाँ पर वॉल है तो मैं चाह रही हूँ कि इस वॉल को यूज़ किया जाए किसी तरीके से। तो जो भी होगा आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। उसके बाद आप देख पाएंगे कि ये हमारे पिटूनियाज जिनकी पिंचिंग नहीं की थी, जिनकी कटिंग नहीं की थी, तो वो ऐसे ऐसे लंबी लंबी हो गए हैं शूट्स, बट कोई बात नहीं है, फिर भी अच्छी लग रही है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे ये छोटे छोटे पौधों में हमारे मैरीगोल्ड्स निकल आए हैं, जाफरी वाले जिसके बड्स हैं, तो भी थोड़े दिन में ये फूल खिल जाएंगे। अगेन यहाँ पर हमारे पेंजीज सीड से लगाए हुए जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद ये भी अगेन आप देखोगे, ये देखो बहुत प्यारे लगते हैं ये, जिनके सीड्स बहुत छोटे होते हैं तो उनको बचाना बड़ा मुश्किल लगता है। और उसके बाद यहाँ पर हमारी ये है बिगोनिया जो कि मैं नया पौधा लाई थी, और छोटी छोटी फ्लावरिंग इस पर हो रही है, बड़े प्यारे पिंक कलर के, पिंक पर्पल से मिक्स एंड मैच सा कलर है इनका, पत्तियों का कलर भी पर्पल है, तो अच्छा लगता है ये। तो उसके बाद हम इस कॉर्नर पर आते हैं, तो ये हमारे डॉग फ्लावर्स हैं आप देख पाओगे, तो मेरी शेडो आ रही थी तो मैंने अपनी पोजीशन यहाँ थोड़ी सी चेंज कर ली है। और ये आप देख पाओगे कि डॉग फ्लावर्स हैं, बहुत ही प्यारे लग रही हैं। उसके बाद हमारी एनुअल वाली क्रिसैंथेमम जो कि बड़े वाले गमले में थी वो मैंने खाली करके उसमें आम का पौधा लगा दिया है, बट ये छोटे वाले पॉट्स में अभी भी चल रही है। उसके बाद ये हमारे वाइट वाले रोजेस, ये भी काफ़ी अच्छे खिल रहे हैं, डबल डबल भी खिल रहे हैं। मैंने आपको दिखाया था कि ये देखो ये वाला, ये कली के ऊपर ही एक और कली आ गई है और वो भी खिल रही है। अगेन यहाँ पर भी आप ये देख सकते हो, ये थोड़ा सा डिफरेंट आया निकल के, मुझे काफ़ी खुशी है इस चीज़ की। और उसके बाद यहाँ पे हमारे ये अफ्रीकन डिजीज़ डायमोरफती का बोलते हैं इसको, तो ये है, काफ़ी सुंदर लग रही है, ये भी काफ़ी सारे फूल खिल गए और अभी भी बहुत सारी बर्ड्स हैं। बस इसमें लास्ट पे जब ये ख़त्म होने लगेगा तो मीली बग का अटैक होगा, तो वहाँ पर थोड़ा इसको बचाना ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ इसकी जो सीड्स हैं वो आप अच्छे से सेव नहीं कर पाओगे। अदरवाइज़ ये भी लास्ट ईयर के सीड से ही सेव किए हुए हैं मैंने, तो अभी ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। ये हमारे पाम मैंने इस तरफ लगा दिए सारे, और ये आप देख पाओगे कि जितने भी इंडोर प्लांट्स थे इनको सबको इकट्ठा कर दिया है, और ये अब ताकि यहाँ पे थोड़ा इनको ह्यूमिडिटी बनी रहे। तो अभी यहाँ पे मैं मेरी सोच, जैसा कि मैं सोच रही हूँ वो ये है कि यहाँ पे मैं कुछ एक वाटर का कुछ अरेंजमेंट कर पाऊँ गर्मियों के लिए, ताकि वो एक अच्छा सा लैंडस्केप क्रिएट हो, देखते हैं क्या होगा। उसके बाद ये जो हमारा चाइनीज़ पाम है, इसके नीचे काफ़ी चाइनीज़ पाम बोलते हैं शायद इसको, बट इसके नीचे जो ये काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं इसमें, ये देखो ये वाली एनुअल क्रिसैंथेमम्स भी हैं, स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर भी हैं, अभी कैलेंडुला भी इसके नीचे चल रही है, और यहाँ पे भी काफ़ी सारे डॉग फ्लावर्स हैं, देखो ये तो खिल भी गए हैं। तो यहीं पर मैंने सीड डाले थे इनके, और यहीं से निकाल के मैंने इनको फिर आगे आगे पौधों को शिफ्ट किया था, तो इसलिए ये भी जो जो सीड्स बच के होंगे वो भी निकल रहे हैं। उसके बाद ये वॉल आप देखोगे, यहाँ पे वो सारे पौधे रखे हुए थे जो कि अब उनको हटाने के बाद काफ़ी खाली खाली नज़र आ रही है, बट आगे मैं इसमें फ्यूचर की कुछ प्लान्स हैं वो जब मैं कर लूँगी तब आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये उसके बाद आप देख सकते हो ये फाइनल क्रिसैंथेमम्स हैं, ये लास्ट ही बची हैं, तो इसके बाद ये भी अब इस साल की क्रिसैंथेमम्स ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पर बहुत सुंदर से हमारे मैरीगोल्ड्स निकल आए हैं, और वो देखो सामने हमारा बोगनविलिया, उसकी फ्लावरिंग आप देख ही सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है हमारी नेस्टेशियम, ये देखो यहाँ पे भी एक पौधा जो कि खुद से ही निकल आया था,
हो सकता है मैंने पीछे बीज डाले होंगे तो फिर वो इस बार आ गया होगा। और इस पे भी काफ़ी अच्छे फ्लावरिंग अब आपको देखने को मिलेगी जल्द ही, इस पे भी सीड्स बन जाएंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारी मूली है उसके फ्लावर्स खिले हुए हैं, इसमें पॉट्स बनने तैयार हो गए हैं, तो मैंने भी इनको एक सिमिट्री बनाने के लिए यहाँ पर इनके साथ ही लगा दिया है। तो फ्रेंड्स ये आप देख पाओगे कि इस तरीके से ये पूरा लुक आ रहा है यहाँ पर। तो ये मैंने हाफ़ अभी रेनोवेट यहाँ पर कर लिया है, जिसमें आप देख पाओगे कि मैंने अपने सारे पॉट्स को शिफ्ट किया है इधर से उधर। काफ़ी दिमाग लगाना पड़ा मुझे कि क्या मैं करूँ इसका, जो कि आपको देखने में भी अच्छा लगे, हमें भी देखने में अच्छा लगे और हम इसको एज अ टेरेस गार्डन इन्जॉय भी कर सकें और थोड़ा सा सीटिंग अरेंजमेंट भी हो ताकि हम यहाँ पर बैठ सकें। ऑफकोर्स अब गर्मी आ रही है तो शाम के टाइम पर या फिर अर्ली मॉर्निंग में एक अच्छा सा एटमोसफेयर यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की है। बहुत मेहनत लगती है इतने सारे गमलों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, सारे गमलों को पहले हटाना, स्टैंड को शिफ्ट करना, उसके बाद स्टैंड में दोबारा वो सारे पॉट्स लाके लगाना। सच में नहीं, इसमें हालत ख़राब हो जाती है और सारा मैंने खुद से ही किया है। बट चेंजेस ज़रूरी हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि एक ही चीज़ देख देख के हम भी बोर हो जाते हैं और मैं आप लोगों को भी बोर नहीं करना चाहती हूँ, तो इसलिए चेंजेस करते रहना ज़रूरी है। और वेजिटेबल गार्डन में भी अभी काफ़ी कुछ हो रहा है, यहाँ पे तो आपको सब ऑर्नामेंटल प्लांट्स ही नज़र आ रहे होंगे, फ्लावर्स के या फिर पेरेनियल्स अपने वाले। लेकिन इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर वेजिटेबल गार्डन में भी काफ़ी कुछ हो रहा है, थोड़ा बहुत कुछ मैसी भी दिखेगा तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। जैसे ही मैं इसको रेनोवेट कर लूँगी तो एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी अपने वेजिटेबल गार्डन का, एंड आई होप कि आप लोगों को इंतज़ार रहेगा उसका। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो ये आप देख सकोगे, थोड़े थोड़े चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं, काफ़ी सारे चेंजेस थोड़े थोड़े कर रही हूँ मैं, लेकिन चेंजेस काफ़ी सारे हैं लेकिन कर थोड़ी थोड़ी स्पीड पे रही हूँ, क्योंकि एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये 150 से ज़्यादा यहाँ पर मेरे पास पॉट्स वगैरह हो गए हैं तो इनको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा है मेरे लिए, और कोशिश मैं यही कर रही हूँ कि अब और ज़्यादा कुछ यहाँ पर ऐड ना करूँ। बट ये होता है कि जब आप गार्डनिंग करते हैं तो बस वो मन जो होता है ना, मन कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, तो वो मन बावरा है और उसको हम फिर मना नहीं पाते, तो इसलिए। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे मैंने सीडलिंग्स रखी हैं अपनी, क्योंकि वो बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी तो धूप से थोड़ा बचाया उनको, तो नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी अपने वेजिटेबल गार्डन का क्या क्या अपडेट चल रही है यहाँ पे, और सीडलिंग्स को बेसिकली आप कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि जैसे कि अब धूप आ रही है तो कई बार क्या होता है कि आप सीडलिंग्स लगा तो लेते हैं बट वो बाद में सर्वाइव नहीं कर पाती है, तो उससे रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तब तक के लिए कीप गार्डनिंग और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। यहाँ पर कुछ पेंसिल्स मैं आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी टाइम से यह चल रहे हैं और अभी भी इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हुए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।